Viewer, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू इंसर्ट अ टेक्स्ट सिंबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाय 7 डिफरेंट वेज। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, थ्रू वेंडिंग फॉन्ट्स। वेंडिंग फॉन्ट्स के थ्रू हम टेक्स्ट सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। एरिया आप सेलेक्ट कर ले, गो टू इंसर्ट टैब, फिर इसके बाद आपने जाना है सिंबल, सिंबल पर आप क्लिक कर ले और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है फॉन्ट्स वेंडिंग्स जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर ये सेलेक्ट ना हो तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और करेक्टर कोड आप टाइप कर ले 252। फिर इसके बाद इंसर्ट बटन आप क्लिक कर ले, क्लोज कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट, टेक्स्ट सिंबल आपके सामने शो है, तो ये इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर 2, थ्रू शॉर्टकट कीज। बाय यूजिंग शॉर्टकट की Shift+P टेक्स्ट सिंबल हम इंसर्ट कर सकते हैं। फॉन्ट्स आप यहां से चेंज कर ले विंगडिंग 2, तो ये टेक्स्ट सिंबल शो हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की Shift+O क्रॉस सिंबल शो करने के लिए, और यहां से विंगडिंग्स 2 फॉन्ट्स आप सेलेक्ट कर ले तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। जिस तरह आप देख सकते हैं नंबर 3, बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला के थ्रू हम टेक्स्ट सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इज इक्वल टू एफ, एफ रिजल्ट इज इक्वल टू फास, तो फिर इसके बाद शो होना चाहिए करेक्टर 252। 252 मींस टेक्स्ट सिंबल, अदरवाइज करेक्टर 251। 251 कोड है क्रॉस सिंबल का। फिर इसके बाद आपने एंटर की प्रेस करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए फॉन्ट्स आप चेंज कर ले विंगडिंग्स और एंटर की प्रेस कर ले तो ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। और इस पर आप डबल क्लिक कर ले तो ये कॉपी हो जाएगा। जिधर पेल है वहाँ पर क्रॉस सिंबल शो हो रहा है और जिधर पास है तो वहाँ पर टेक्स्ट सिंबल। नंबर 4, थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू टेक्स्ट सिंबल किस तरह शो होगा। परसेंटेज कॉलम को आप सेलेक्ट कर ले और आपने जाना है फिर इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल्स, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है फॉन्ट स्टाइल आइकॉन सेट्स। आइकॉन स्टाइल आपने सेलेक्ट करना है ये वाला, और यहाँ से वैल्यू जो आप चेंज करेंगे वो है 64। मींस कि अगर वैल्यू 64 से अबव हो तो टेक्स्ट सिंबल शो होना चाहिए। अगर वैल्यू 64 से लेस देन है तो यहाँ पर क्रॉस सिंबल शो होना चाहिए। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले नो सेल आइकॉन्स, फिर इसके बाद आपने क्लिक करना है ओके बटन पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने शो है। ग्रेटर देन वैल्यू 64 टेक्स्ट सिंबल और लेस देन क्रॉस। नंबर 5, बाय यूजिंग फार्मूला एंड कंडीशनल फार्मेटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला टाइप करेंगे, फिर इसके बाद हम कंडीशनल फार्मेटिंग अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू एफ, रिजल्ट अगर फास हो तो यहाँ पर वैल्यू शो होना चाहिए 1, अदरवाइज 0। एंटर किया प्रेस कर ले और इसको आप कॉपी कर ले। अब इस पर हम कंडीशनल फार्मेटिंग अप्लाई करेंगे। गो टू आइकॉन सेट्स, सेलेक्ट द न्यू रूल्स, और यहाँ से आइकॉन स्टाइल आप सेलेक्ट कर ले ये वाला, मतलब क्रॉस एंड टेक्स्ट सिंबल वाला, और फिर इसके बाद टाइप आप चेंज कर ले नंबर, और वैल्यू को आप चेंज कर ले यहाँ से फर्स्ट वाला 1। वैल्यू अगर 1 हो या ग्रेटर हो तो टेक्स्ट सिंबल शो होना चाहिए, अदरवाइज क्रॉस सिंबल शो होना चाहिए, और ये आप सेलेक्ट कर ले नो सेल आइकॉन्स, और यहाँ से वैल्यू आप टाइप कर ले 0, और टाइप आप चेंज कर ले नंबर, फिर इसके बाद ओके बटन आप टाइप प्रेस कर ले तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके सामने टेक्स्ट सिंबल्स एंड क्रॉस सिंबल वो शो हो रहे हैं। अब इस तरह हम करेंगे कि नंबर्स को हम चेंज करेंगे, हाइड करेंगे। गो टू एडिट रूल्स और यहाँ से सेलेक्ट कर ले शो आइकॉन्स ओनली एंड देन प्रेस ओके, अप्लाई एंड क्लिक ओके। रिजल्ट आपके सामने हैं, टेक्स्ट सिंबल और क्रॉस सिंबल आपके सामने शो हो रहे हैं। नंबर 6, थ्रू आइकॉमून फॉन्ट।
इस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करने के बाद आपने जाना है इंसर्ट टैब पर, देन सिंबल्स जस्ट लाइक अ विंगडिंग फ़ॉन्ट्स, और यहाँ पर आप फ़ॉन्ट्स चेंज कर ले आइकोमून फ़ॉन्ट्स, और फिर इसके बाद आपने यहाँ से करेक्टर कोड चेंज करना है, वो है EA10। फिर इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है वही सिंबल जो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड भी है, और इंसर्ट बटन पर आप क्लिक कर ले, फिर इसके बाद क्लोज बटन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट टेक्स्ट सिंबल आपके सामने शो है। नंबर 7, थ्रू फोंटासम फॉन्ट। गो टू इंसर्ट टैब, फिर इसके बाद आपने जाना है सिंबल पर, सिंबल पर आप क्लिक कर ले और यहाँ से फॉन्ट आप चेंज कर ले फोंटासम फॉन्ट। ये वाला फॉन्ट आप सेलेक्ट कर ले और यहाँ से कोड आप चेंज कर ले, दैट इज़ F00C, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट सिंबल शो हो जाएगा। साथ क्रॉस भी है, टेक्स्ट सिंबल आप सेलेक्ट कर ले, इंसर्ट बटन पर आप क्लिक कर ले, देन क्लोज बटन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट सिंबल आपके सामने शो है जो इंसर्ट हो गया। व्यूअर, इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह हम साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से टेक्स्ट सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching.